संदीप महेश्वरी के इस वीडियो से आया तूफान, यूट्यूबर को एक्सपोज करने का बड़ा दावा, क्या है पूरा स्कैम, जानिए इस वीडियो में। नमस्कार, मैं श्रेया दुबे और आप देख रहे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। संदीप महेश्वरी ने आरोप लगाया है कि उनके एक यूट्यूब वीडियो को हटाने की धमकी दी जा रही है। उनके घर पर भी कई लोग आए। उनके ऐसा कहने के बाद मामले में डॉक्टर विवेक बिंद्रा की एंट्री हो गई है। जी हाँ, फिल्म जय हो से सलमान खान का एक डायलॉग काफी वायरल हुआ। वो एक शख्स की मदद करने के बाद कहते हैं, अगर आपको लगता है कि हमने आप पर एहसान किया है तो आप थैंक यू मत कहिए, बल्कि तीन लोगों की मदद कीजिए। उनसे कहिए कि और तीन लोगों की मदद करें। इसमें बताया गया है कि ऐसे ही एक चैन पंती चलती है। तो ये डायलॉग तो मदद करने को लेकर था, लेकिन मल्टी लेवल मार्केटिंग में भी कुछ ऐसे ही तरीकों का इस्तेमाल होता है। जी हाँ, इसमें लोग अक्सर फंस जाते हैं। उनके पास आर या पार, बस यही दो तरीके बचते हैं। अब इससे जुड़ा ताज़ा मामला सामने आया है। फेमस यूट्यूबर और मल्टीनेशनल स्पीकर संदीप महेश्वरी को आप लोग जानते ही होंगे। इनके YouTube पर 28 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। इनके वीडियो Facebook और Instagram पर भरे पड़े हैं। संदीप महेश्वरी के YouTube चैनल पर 6 दिन पहले एक वीडियो पोस्ट किया गया, जिसके बाद ऐसा तूफान आया कि अभी तक थम नहीं रहा है। उन्होंने इस वीडियो के जरिए एक बड़े स्कैम का पर्दाफाश करने का बड़ा दावा किया है। बता दें, वीडियो में वो दो लड़कों से बात करते दिख रहे हैं। हालांकि इस दौरान केवल एक बड़े यूट्यूबर शब्द का इस्तेमाल हुआ, किसी का नाम नहीं लिया गया है। मगर थोड़ी ही देर बाद इस मामले को कलेश में तब्दील होते देर नहीं लगी और एंट्री हुई मल्टीनेशनल स्पीकर डॉक्टर विवेक बिंद्रा की, जो बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड के CEO है और संस्थापक भी है। संदीप महेश्वरी के वीडियो में उन ट्रेनिंग प्रोग्राम की बात की गई जिसमें स्टूडेंट से भारी भरकम पैसा लिया जाता है। बाद में संदीप महेश्वरी ने अपनी यूट्यूब कम्युनिटी में पोस्ट कर बताया कि उनकी वीडियो हटाने की धमकी लगातार मिल रही है। संदीप महेश्वरी ने पोस्ट पर लिखा, मेरी टीम पर मेरे लेटेस्ट वीडियो को हटाने की काफ़ी धमकियां मिल रही है। मैं ये स्पष्ट कह देता हूँ, हम इससे डरते नहीं हैं, ना ही हम इसे हटाएंगे। वीडियो में इस घोटाले का खुलासा करने वाले शख्स को अपना बयान बदलने के लिए बहुत सारे कॉल आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ये सब और बुरा होने वाला है, लेकिन मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ, क्योंकि मैं हमारे समाज के लिए खड़ा हूँ। मैं जानता हूँ कि अकेला नहीं हूँ। अगर आप सभी मेरे साथ खड़े हैं, सही है या नहीं है। अभी तक किसी यूट्यूबर का नाम नहीं लिया गया था, ना ही संदीप महेश्वरी के यूट्यूब में और ना ही उनके पोस्ट में। मगर फिर अचानक से विवेक बिंद्रा की एंट्री होती है। उन्होंने यूट्यूब कम्युनिटी पर लिखा, संदीप भाई, मैंने आपका लेटेस्ट वीडियो देखा, बड़े स्कैम का पर्दाफाश क्यों अपनी पुष्टि की है, ये मुझसे और मेरी कंपनी से संबंधित है, तो मुझे लगता है कि मुझे अपनी ऑफिशियल आईडी से इस बार खुलकर चर्चा करनी चाहिए। जी हाँ, मैं उस ईमानदारी से कहना चाहता हूँ कि अगर दर्शकों के मन में मुझे लेकर कोई सवाल है तो मैं दोबारा आपके शो में आकर उस पर खुलासा और चर्चा जरूर करूँगा। आइए, मैं आपको खुली चुनौती देता हूँ कि आपके हकीकत का सामना करने की हिम्मत रखते हैं। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें।